दोस्तों हम लोग का फाइनली रोटी बनना स्टार्ट हो गया है और एक वो अजीब चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। हालांकि हमारे लिए तो अजीब नहीं है, कुछ लोगों के लिए अजीब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी अजीब चीज़ है कि देखिए आप लोग सोचते होंगे कि इधर गैस के ऊपर कढ़ाही चढ़ा हुआ है। देखिए गैस अंदर से जल रहा है, गैस के ऊपर कढ़ाही चढ़ा हुआ है और इधर रोटी पिला रहा है, तो आखिर रोटी बनेगा कैसे? तो पहले लिए हम लोग का अंडा कढ़ी रेडी हो गया है। मेरा गाड़ी किस तरह से रोड पे खड़ा है, कहा किया जाए ड्राइविंग लाइन में होता है, कुछ कर नहीं सकते। देखिए किस तरह से रोड में पूरा रोड चालू है, हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे है, ये औरंगाबाद जलगांव हाईवे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों फाइनली हमारा सुबह हो गया है किसी तरह से। रात में तो बहुत टेंशन लग रहा था कि रात भर कैसे कटेगा, और नींद तो अच्छा से हुआ नहीं, लेकिन फिर भी किसी भी हाल में सुबह हो गया। और दोस्तों ये देखिए हम लोग का गाड़ी रोड पर है, रात में नहीं दिख रहा था, इसके वजह से दिन में अभी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से रोड के ऊपर है, रोड चालू है रोड के साइड में ही। हालांकि देखिए आजू बाजू में और भी गाड़ी सब है, रोड के साइड में बहुत सारा गाड़ी, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी, डर लग रहा था, अब दिक्कत तो कुछ हुआ नहीं। रात घूमते रहा तो इसलिए दोस्तों हम लोग रोड से साइड में आके वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कि रोड के सामने में बहुत साउंड आता है, गाड़ी सब चलता है ना, तो इसलिए साउंड बहुत ज़्यादा आता है। अभी हालांकि यहाँ तक भी आता होगा, लेकिन थोड़ा कम आता होगा, तो इसलिए साइड में आए हैं। और दोस्तों चलते हैं, अभी थोड़ा हम लोग कुछ नाश्ता कर लेते हैं। देखिए मेरा गाड़ी किस तरह से रोड पर खड़ा है, कहा किया जाए ड्राइविंग लाइन में होता है, कुछ कर नहीं सकते। देखिए किस तरह से रोड में पूरा रोड चालू है, हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे है, ये औरंगाबाद जलगांव हाईवे है, और इसके ऊपर गाड़ी खड़ा है। देखिए हालांकि रोड को छोड़ के हम खड़ा किए हैं गाड़ी, ये जो PCC रोड है उसको छोड़ के, लेकिन रोड की साइड में गाड़ी खड़ा है। हालांकि देखिए बहुत सारा गाड़ी रोड में स्केट साइड में रहता है। दोस्तों देखिए फाइनली हम लोग नाश्ता करने के लिए आ गए हैं, घोड़ा और पाव, कल भी यही चीज़ किए थे, यहाँ फेमस है और ज़्यादातर यही मिलता है, तो यही कर लेते हैं, और दूसरा कुछ नहीं मिल रहा था, यही मिल रहा था, तो यही नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद दोस्तों देखेंगे नहाया जाएगा। हम लोग आज कल नहा नहीं पाए थे, तो आज थोड़ा नहाएंगे और गाड़ी वाड़ी साफ वूफ करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज तो देखिए गाड़ी लोड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मिलते, ठीक है दोस्तों। हम लोग वड़ा पाव खाते हैं, वड़ा थोड़ा बड़ा है। दोस्तों हम लोग नाश्ता वास्ता करके तो आ गए हैं, और नाश्ता करके आके और अब बैठे हैं हम लोग वैसे गाड़ी में, गाड़ी वाड़ी साफ सुथरा कर लिए, और दोस्तों अब हम लोग चल रहे खाना बनावे लिए। ट्रांसपोर्टर के पास में गए थे, तो ट्रांसपोर्टर बोल दिया कि जहाँ पे हमको जाना है, बलारी का ऑर्डर है कि बलारी का गाड़ी भरो, तो बलारी का लोड तो मिल गया है, लेकिन भाड़ा कंफर्म नहीं हुआ है, तो भाड़ा कंफर्म हो रहा है, तब तक सोच रहे हैं हम लोग कि खाना बना लें। तो दोस्तों हम लोग देखिए खाना बना रहे हैं, इधर देखिए चावल बस बन ही गया है, चावल बस सब तैयार हो गया है, और इधर हम लोग सब्जी कटिंग कर रहे हैं, सब्जी कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे सब्जी। आज भिंडी का सब्जी बनेगा, खाली भिंडी का सब्जी रहेगा, भिंडी का सब्जी और चावल रहेगा, फिर शाम को देखेंगे दोस्तों कुछ बनाया जाएगा। अभी भिंडी दोस्तों ये देखिए हम सब्जी बनाने का प्रोसेस चालू कर रहे हैं। हमको यहाँ बैठना पड़ेगा, हवा आ रहा है इधर खिड़की तरफ, अगर खिड़की बंद कर देंगे तो फिर गर्म लगेगा। दोस्तों हम लोग तेल डाल दिए हैं इसमें, इसमें डाल रहे हैं जीरा, चल जाता है तो तुरंत अब इसमें डाल रहे हैं लहसुन, प्याज, प्याज डल गया दोस्तों। दोस्तों प्याज भून गया, अब इसमें डालते हैं मिर्ची, ऐड करते हैं मिर्ची। दोस्तों आज ये भिंडी को बिना फ्राई किए हुए बना रहे हैं, देखते हैं आज बिना फ्राई किए हुए कैसा बनता है। हमको तो पता है कि सब भुरा जाएगा, लेकिन बिना फ्राई किए हुए बना के देखते हैं कैसा बनता है। फ्राई किया हुआ तो बहुत बार खाएं,
बिना फ्राई किए हुए कैसा लगता है वो देखते हैं आज। दोस्तों इसमें नमक ऐड कर रहे हैं बस। कट रहे हैं टमाटर, अब इसमें दोस्तों गिलास में पूरा सब मसाला डाल के है, थोड़ा पानी डाल के घोल दिए हैं। अब इसको डाल देते हैं, इसमें ऐड करते हैं मसाला। दोस्तों मसाला भुन गया है, पूरा मसाला भुन गया है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, पानी ऐड करते हैं कि जिसमें चावल खाना है तो सूखा सूखा नहीं दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी ऐड करते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग का खाना बन गया है और खाना खाने का टाइम भी हो गया है, बच गया है एक, तो 1 बजे खाना खा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का गोलोडी का तो कुछ बात हुआ नहीं और नहाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि बहुत धूप है, बहुत गर्मी किया हुआ है, अभी नहाएंगे तो फिर गर्मी लगेगा, तो थोड़ा और लेट करने देते हैं। 3-4 बजे तक नहाएंगे तो मूड फ्रेश रहेगा, पूरा रात भर नींद भी अच्छा आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी इधर ही खड़ा भी रहना है, लोडिंग तो अभी मिला नहीं है, अब देखिए कब तक लोडिंग मिलता है। तब तक हम लोग खाना खाते हैं, फिर रात का प्लान सोचा जाएगा, थोड़ा ट्रांसपोर्ट के पास में जाके देखते हैं, मिलते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता है वो देखना पड़ेगा, थोड़ा जाके ट्रांसपोर्ट से बात करते हैं और फिर हम लोग खाना खाते हैं। और देखिए आज हम लोग बनाए हैं भिंडी का सब्जी और चावल, सिंपल सिंपल खाना खाते हैं दोस्तों, कहाँ कहा जाए। थोड़ा बड़ा बन जाते ना यूट्यूब पर, आप लोग सपोर्ट करते हैं और बड़ा आदमी बन जाते ना तो फिर मज़ा आ जाता, लेकिन क्या कहें अभी थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ रहा है। भिंडी का सब्जी और भात खा रहे हैं दोस्तों। फाइनली हम लोग नहा धोवा के आ गए हैं, फ्रेश हो गए हैं और शाम भी होने चला है, तो नहा के आ गए तो गाड़ी तो लोड नहीं हुआ, ऐसे ही केबिन में बैठे हुए हैं। देखिए मेरा पूरा केबिन है गाड़ी का और इस तरह का लुक है दोस्तों। फाइनली हम लोग खाना बनाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, शाम तो रात तो हो गया है। और दोस्तों ये क्या है कि मेरा गाड़ी आज भी लोड नहीं हुआ, ऐसे ट्रांसपोर्टर से जाके पूछे तो बोला कि रेडी हो गया है माल, तो कल सुबह लोड हो जाएगा ऐसे बोला है, लेकिन देखिए अभी भी कन्फर्म नहीं लग रहा हमको, लेकिन देखते हैं कल हो सकता है लोड हो जाए, कहीं का भी कल जहाँ का भी लोड होगा, हमारा सेट सा ऑर्डर है कि कहीं का भी कल लोड हो जाए तो हम भर लो, तो देखते हैं दोस्तों कल सुबह भर लेंगे गाड़ी। अब कहाँ का भरता है कल ही कल वाला ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। और दोस्तों आज नाइट का रात में खाना हम लोग बना रहे हैं, अंडा कढ़ी। तो दोस्तों हम लोग का अंडा कढ़ी का प्रोसेस अभी चालू है, देखिए इधर दिखाओ, देखिए इसमें अभी अंडा और आलू डाल दिए हैं सीजने के लिए, ये अभी बॉयल्ड हो रहा है अंडा आलू, जब तक बॉयल हो जाता है तब तक हम लोग मसाला रेडी कर लेते हैं। अब मसाला रेडी कर देंगे, उसके बाद रोटी और अंडा कढ़ी खाया जाएगा, आज बनाया जाएगा। दोस्तों हम लोग का फाइनली रोटी बनना स्टार्ट हो गया है और एक अजीब चीज़ आप लोग को दिखाते हैं एक ठो, हालांकि हमारे लिए तो अजीब नहीं है, कुछ लोगों के लिए अजीब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी अजीब चीज़ है। वो चीज़ ये है कि देखिए ये तो हमारे सबसे पहले तो हमारे गुरु जी खाना बना रहे हैं एकदम, बस केसरिया पूरा मस्त केसरिया कलर का कपड़ा पहन के, और ये रोटी बनाया जा रहा है। लेकिन अजीब चीज़ ये है कि देखिए आप लोग सोचते होंगे कि इधर गैस के ऊपर कढ़ाही चढ़ा हुआ है, देखिए गैस अंदर से जल रहा है, गैस के ऊपर कढ़ाही चढ़ा हुआ है और इधर रोटी मिला रहा है, तो आखिर रोटी बनेगा कैसे। तो आज हम रोटी बनाएंगे इसी में, आज क्या हम रेगुलर रोटी बनाते हैं कढ़ाही में ही, इसलिए कि कढ़ाई में भी बनी जाता है रोटी और तवा रखने का झंझट भी नहीं रहता है, अच्छा रोटी बनता है दोस्तों। तो आज हम कढ़ाई का रोटी बना के दिखाते हैं आप लोग को, आज कढ़ाई का रोटी बनाएंगे और उसके बाद बहुत सारा दिन बनाएंगे, लेकिन आज पहला दिन है तो आज देख लिए, आज कढ़ाई में रोटी बना के आप सबको दिखाते हैं। और तो हम लोग रोटी को कढ़ाई में बना रहे हैं, ये रोटी बनेगा कढ़ाई में, देखिए किस तरह से बनता है। एक बार रोटी डालने के बाद एक बार ऐसे हिला दीजिए क्योंकि सटेगा नहीं है, चलिए नीचे चलो है।
देखिए दोस्तों, एक साइड फाइनली रोटी पक गया है, अब दूसरा साइड इसको पलट देंगे। पलटने के बाद दूसरा साइड भी पकेगा। हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरा दूसरा साइड भी रोटी पक गया है, अब इसको फुलाना है। तो देखिए कैसे फुलाते हैं इसको। ये रुमाल रखे हैं साफ सुथरा, इससे इसको घुमाते जाइए, इसे ये रोटी पूरा फूल जाएगा। ऐसे रोटी फूल जाएगा दोस्तों। फाइनली हम लोग का अंडा फ्राई हो गया है, अब इसको निकालते हैं। फ्राई हो गया है पूरा, अब इसको निकाल देते हैं बाहर और इसमें करी बनाएंगे। इसको निकाल देते हैं बाहर और इसमें फिर करी बनाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग का अंडा करी रेडी हो गया है, और देखिए ये रोटी और ये अंडा करी दोनों रेडी हो गया है। अब इसको फिनिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। बस हेलो दोस्तों, हम लोग का खाना तो बन गया, अब हम लोग खाना खाते हैं। दोनों जन का एक ही में निकाले हैं खाना, तो दोनों लोग मिल के खाते हैं खाना। उसके बाद दोस्तों लेट समय भी ज़्यादा हो गया है, 10 बज गया रात, तो खाना खा के हम लोग सोएंगे। हम लोग का गाड़ी लोड हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज रात भर किसी तरह झेलना है यहाँ रोड के किनारे में, कल भी रुके थे आज भी रुकना है, तो आज भर रुक जाते हैं, कल गाड़ी लोड कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग खाना खाते हैं। दोस्तों हम लोग का खाना वाना तो हो गया है, और दोस्तों ऐसे आज गाड़ी वाड़ी भी लोड नहीं हुआ, और रोड के साइड में अजीब फील हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, रुकना पड़ेगा रोड के साइड में ही, कहीं जगह है नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, कल तो बोला है कंफर्म कि कल लोड हो जाएगा, और बेल्लारी का लोड बोला है, अब देखिए कल लोड होता है कि नहीं, वो तो आप लोग को अगला ब्लॉक में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम ये ब्लॉक को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।